नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देखो वाल्मिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो फूल पौधा देख रहे हो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर पौधा है। तो दोस्तों, इसे आप सभी लोग जानते होंगे, सबके घर में लगभग होता है। यह घर को सुंदरता दिखाने के लिए, सजाने के लिए या गमलों में घर के आसपास इसको सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। इसको फूलों के रूप में लगाया जाता है। शायद आप लोग इसके फायदे लेते होंगे, अगर आप नहीं जानते इसके आयुर्वेदिक औषधीय गुणों के बारे में तो आज वीडियो कंप्लीट देखिए। आज मैं आप लोगों को इसके बहुत से आयुर्वेदिक औषधीय गुणों से परिचित करा दूंगा और उसके प्रयोग बता दूंगा और इससे बहुत सारे समस्याओं को आप इजीली दूर कर सकते हो, आसानी से ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर करें, हमारे चैनल में जुड़ जाएं इसी तरह की और जानकारी हमेशा जानने सुनने देखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं इस सदाबहार के अनमोल आयुर्वेदिक औषधीय गुणों से भरपूर पौधा की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आप इस सदाबहार के पौधे से बहुत से फायदे ले सकते हो, जैसे कि आप इसके जड़ के फायदे ले सकते हो, इसके तने पत्ते और फूल सभी के फायदे ले सकते हो। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इसके जड़ के फायदे बता रहा हूँ। जड़ का फायदा आपकी शारीरिक कमजोरी को दूर करने में आप कर सकते हो, उसके लिए यह बहुत ही अचूक दवा है। आप शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए इसके जड़ का पाउडर बना करके, इसके पाउडर में एक चम्मच पाउडर में दो चम्मच मिश्री मिला करके प्रतिदिन सुबह शाम खाना खाने के बाद यदि आप लेते हो तो आपकी शारीरिक कमजोरी जो है कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी। आप दुबले पतले चिपके गाल के हो वह धीरे धीरे आपको कांतिमय बना देगा और शरीर में एक ओझ तेज पैदा कर देगा और आपका जो बल वीर्य रहेगा वह भी बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपकी शारीरिक क्षीणता जो है ख़त्म हो जाती है इसके लगातार सेवन करने से। बस आपको एक चम्मच इसके जड़ का पाउडर और दो चम्मच मिश्री मिलाकर प्रतिदिन गुनगुने पानी के साथ या दूध के साथ ले सकते हो खाना खाने के बाद। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके पत्ते के फायदे की। इसके पत्ते के और फूल के एक बहुत ही कॉम्बिनेशन फायदा है। अगर दोनों को एक साथ मिला करके इसका फायदा लेते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा आपको। किसी भी प्रकार की जैसे तौंद बढ़ी हुई है, चर्बी बढ़ी हुई है और कोई मोटापा का शिकार है तो उसकी जो चर्बी को कम करने के लिए आपको इसके सिर्फ फूल के और पत्तियों का काढ़ा बना करके प्रतिदिन सुबह शाम खाली पेट पीना है और पीने के एक घंटा तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। तो इस तरह से आप लगातार एक माह यूज़ कीजिए, आपका वेट बहुत ही लूज़ हो जाएगा, आपका चर्बी जो है बहुत ही घट जाएगा और आपको फ़र्क आसानी से देखने को मिलेगा। तो आप इस तरह से इसका चाय बना करके या काढ़ा बना करके पी सकते हैं। रोज़ाना एक माह तक कम से कम आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा, तब जा करके आपको इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फूल के। तो दोस्तों, अगर आप इसके फूल को इकट्ठा कर नहीं पाते हो तो इसके फूल को सुखा करके इसका पाउडर करके रख लीजिए। अगर ज़्यादा मात्रा में नहीं है तो सुखा करके पाउडर करके रखे रहोगे तो आपको कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे मधुमेह के रोगी होते हैं ना, तो उनके लिए आप क्या कीजिएगा, करेले का रस निकाल लीजिएगा किसी मिक्सी में पीस करके या फिर किसी भी तरह से, और टमाटर का जूस निकाल लीजिएगा। करेले का जूस और टमाटर का जूस, दोनों का जूस बराबर मिलाने के बाद एक चम्मच इसका जो फूल का पाउडर रहेगा, सदाबहार के फूल का पाउडर, उसको एक चम्मच उसमें मिला करके घोल बना लेना है। अब उस घोल को डायबिटीज़ के मरीज़ को हर दिन एक एक गिलास यानी कि आधा आधा गिलास भी दे सकते हो, तो आधा आधा गिलास की मात्रा में प्रतिदिन उसको देते हो डायबिटीज़ के मरीज़ को, तो वह पूरी तरह से कंट्रोल में रहता है और ऐसा कंट्रोल में रहेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है या किसी भी प्रकार की और समस्या है। आप यदि आप इस तरह से जो मैं प्रयोग बता रहा हूँ इस तरह से करोगे तो आपको कभी भी डायबिटीज़ का एहसास ही नहीं होगा। आपको पूरी तरह से नॉर्मलता जो रहते हैं लोग नॉर्मल तरीके से, उस तरह से आपको फील होगा, आपका डायबिटीज़ पूरी तरह से कंट्रोल रहेगा। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग करके अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हो और सामान्य जीवन जी सकते हो। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक और बात बता दे रहा हूँ, यह बहुत ही रक्त शोधक माना गया है इसका पत्ता। तो आप इसके पत्ते को यदि प्रतिदिन पीस करके इसका गोली बना करके या फिर ऐसे ही चबा सको तो ऐसे ही चबा लेना, लेकिन थोड़ा यह कड़वा लगता है, लेकिन कड़वा तो औषधि लगती ही है। तो आप इस तरह से अगर फ़ायदा लेना चाहते हो तो आपको गोली बना करके भी खा सकते हो या फिर इसके पत्ते को कूट पीस करके इसका रस पी सकते हो या फिर पत्ते को ऐसे ही चबा सकते हो। इस तरह से अगर आप प्रतिदिन लेते हो तो आपके शरीर में जितने भी खराब रक्त रहेंगे, खराब खून रहेगा, वह पूरी तरह से साफ हो जाएगा, प्योरीफायर हो जाएगा, फोड़ा फुंसी की समस्या रहेगी वह ख़त्म हो जाएगी और आपका एकदम से साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से इसके पत्ते के भी फायदे ले सकते हो। पत्ता भी बहुत अच्छा से रक्त शोधक का काम करता है। प्रतिदिन बस आपको एक दो पत्ती चबाते रहना है या फिर नहीं सकते हो तो इसका गोली बना करके खा लेना है।
तो इस तरह से अगर आप प्रयोग करोगे तो आपकी खून की सफाई हो जाएगी और आपका चेहरा चमकदार बन जाएगा, किल मुहासे भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि किल मुहासे भी रक्त की खराबी की वजह से ही होता है। तो दोस्तों, ये सदाबहार पौधे की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।